हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता मिश्रा एंड यू आर वाचिंग किस्से कहानी। किस्से कहानी में आज जिक्र करने वाले हैं शाहरुख खान का। शाहरुख खान का एक ऐसा किस्सा जिसमें संजय दत्त ने एक बड़े भाई के तौर पर शाहरुख की जान बचाई। एक ऐसा किस्सा जब शाहरुख इस इंडस्ट्री में नए आए थे और उस दौरान उनकी भिड़ंत एक शख्स से हो गई थी। तब शाहरुख खान के लिए बड़े भाई का रोल अदा किया था खुद संजय दत्त ने। क्या है वो पूरी कहानी देखिए खास रिपोर्ट। शाहरुख खान के लिए साल 2023 हुक्म के इक्के जैसा साबित हुआ। शाहरुख ने इस साल जितनी भी फिल्में की सभी सुपर डुपर हिट गई और अभी इस लिस्ट में डंकी का नाम भी शामिल होने वाला है। डंकी भी क्रिसमस के मौके पर रिलीज होने वाली है। इसी बीच में शाहरुख खान को लेकर के कई ऐसे दिलचस्प किस्से हैं जो सामने आए हैं। कुछ ऐसे किस्से जिसमें शाहरुख खान के उस वक्त का जिक्र किया जाता है जब शाहरुख नाम के मोहताज थे, जब शाहरुख को स्ट्रगल लाइफ का सामना करना पड़ता था। भले ही आज शाहरुख किसी पहचान के मोहताज नहीं है, आज उनका सिर्फ एक नाम काफी है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। शाहरुख ने भी एक लंबा स्ट्रगल किया है ताकि वो फिल्मी दुनिया में अपना नाम कायम कर सके। इसके पीछे कारण ये भी रहा कि शाहरुख खान का कोई भी जान पहचान या यूं कहें कि गॉडफादर नहीं था। शाहरुख ने बॉलीवुड में जब कदम रखा तो वो अकेले आए थे। यही वजह है कि अकेले अपने दम पर शाहरुख ने जो स्ट्रगल किया और जो नाम कमाया, आज वो नाम उनके बच्चों को मिल रहा है। शाहरुख खान आज जिस मुकाम पर है उसके लिए उन्होंने काफी स्ट्रगल किया ही, साथ ही लड़ाई भी की। दरअसल बात हम करने वाले हैं साल 2007 की। साल 2007 का एक ऐसा किस्सा जहां संजय दत्त बने उनकी ढाल और एक बड़े भाई की तरह संभाली कमान। आखिर ऐसा क्या हुआ था इसके बारे में भी बताते हैं। दरअसल साल 2007 में शो कौन बनेगा करोड़पति के तीसरे सीजन के दौरान शाहरुख खान ने इसे होस्ट किया था। इसी दौरान संजय दत्त अपनी पहली फिल्म मुन्ना भाई MBBS के प्रमोशन के लिए शो में पहुंचे थे, लेकिन जब संजय दत्त हॉट सीट पर बैठे तो शाहरुख ने उनके साथ अपनी दोस्ती का एक दिलचस्प किस्सा सुनाया। ये किस्सा तब का था जब शाहरुख को कोई भी नहीं जानता था। ज्यादातर लोग शाहरुख को पहचानते नहीं थे। शाहरुख अपनी स्ट्रगल लाइफ जी रहे थे। उन्होंने बताया कि जब वो मुंबई में नए नए आए थे और कोई भी उन्हें पहचानता नहीं था, तब संजय दत्त ही थे जिन्होंने शाहरुख की मदद की थी। और तब से लेकर आज तक संजय दत्त को शाहरुख अपना बड़ा भाई मानते हैं और शाहरुख भी एक बड़े भाई के तौर पर संजय की मदद करते हैं। एक बड़े भाई और छोटे भाई का रिश्ता काफ़ी खास इन दोनों के बीच में रहा है। शाहरुख ने शो के दौरान बताया कि मेरा किसी से झगड़ा हुआ, लेकिन मैं मुंबई में नया नया आया था, इसलिए ना तो मेरा कोई दोस्त था और ना ही कोई जानने वाला था। मैं किसी से उम्मीद नहीं लगा सकता था। तब एक आदमी आया जो अपनी जीप लेकर मेरे पास पहुंचा और उसने मुझे बैठा लिया। वो मदद करने वाला कोई और नहीं था बल्कि संजय दत्त थे। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर तुझे कोई छू भी ले तो मुझे बताना, वो बिल्कुल मेरे बड़े भाई की तरह है। शाहरुख खान ने करियर में खूब मुकाम हासिल किया। उन्होंने 80 के दशक में दिल्ली से मुंबई आकर अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 1988 में की, जहां टीवी सीरीज फौजी में वो काम करते थे। फौजी के साथ साथ उन्होंने दूरदर्शन पर कई और सीरीज की। तकरीबन 4 साल बाद 1992 में उनकी फिल्म दीवाना बॉलीवुड में आई। बॉलीवुड में ये उनका डेब्यू था, जहां वो ऋषि कपूर के साथ और दिव्या भारती के साथ काम करते हुए नजर आए। हालांकि उनका रोल सपोर्टिंग एक्टर की तरह था, लेकिन बाद में शाहरुख खान ने अपना नाम कमा ही लिया। धीरे धीरे कर शाहरुख ने एक असली पहचान हासिल की। शाहरुख और संजय दत्त का रिश्ता इसी तरीके से काफ़ी ज़्यादा यादगार रहा है और शाहरुख ने इस रिश्ते को कई बार जग जाहिर भी किया है। शाहरुख अक्सर सोशल मीडिया पर आस्क SRK सेशन रखते हैं और इसी दौरान वो फैमिली और अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ी कई चीज़ें फैंस के बीच में शेयर भी करते हैं।
बता दें कि जब शाहरुख खान की फिल्म पठान बॉक्स ऑफिस पर आई थी तो 4 साल बाद शाहरुख ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। इससे पहले कोरोना के वक्त में थिएटर्स में लोग आने कम हो गए थे, जिसके बाद कहा ये जा रहा था कि बॉलीवुड अब धीरे धीरे ठप पड़ जाएगा। लोगों ने साउथ सिनेमा की ओर अपना रुख किया। इसी बीच में जब शाहरुख की फिल्म पठान आई तो पहली बार सक्सेस का स्वाद सभी ने चखा और बॉलीवुड में मानो जैसे बहार सी आ गई। यही वजह रही कि शाहरुख के ऐसे कमबैक पर बड़ी सफलता के तौर पर संजय दत्त ने इस फिल्म को बताया और कहा कि शाहरुख और उनकी पूरी टीम इस सफलता के लिए हकदार है और उनको बहुत शुभकामनाएं मिलनी भी चाहिए। ट्विटर के जरिए संजय दत्त ने ये भी बताया कि पठान ही एक ऐसा रीज़न था जिसकी वजह से ऑडियंस दोबारा थिएटर्स में आए और उन्होंने फिल्में देखनी शुरू कर दी। बताते चले कि शाहरुख खान की इस सफलता को देखने के बाद संजय दत्त ने भी खूब जश्न मनाया था। वेल, संजय दत्त ने वीआरएफ के तहत शमशेर और सम्राट पृथ्वीराज में काम किया है। अभिनेता केएफजी जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के साथ खलनायक का रोल भी कर रहे हैं। तमिल फिल्मों में इन्होंने डेब्यू भी कर लिया है और अब धीरे धीरे वो अपनी नई पारी की शुरुआत कर रहे हैं। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि शाहरुख ने अपने जलवे को अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा जैसे देशों में भी बरकरार रखा और साथ ही करोड़ों रुपए का बिजनेस किया। शाहरुख खान ने साल 2023 को यादगार बना दिया, ना केवल खुद के लिए बल्कि बॉलीवुड के लिए भी। शाहरुख ने एक बड़ी जीत हासिल की है, जहां तमाम लोग साउथ सिनेमा की ओर आगे बढ़ रहे थे और साथ ही बॉलीवुड पर कॉपी करने का आरोप लगाया जा रहा था, बॉलीवुड की कहानियों को पसंद नहीं किया जा रहा था और बॉलीवुड फिल्मों से लोग किनारा कर साउथ की फिल्मों को देखना पसंद कर रहे थे। ऐसे मौके पर शाहरुख के पठान से लेकर जवान और उसके साथ अब टंकी कमाल मचा रही है। यही वजह रही कि दूसरे स्टार्स की फिल्मों को भी अब लोग देखने के लिए प्रयास कर रहे हैं और बॉलीवुड की कई फिल्में अब हिट साबित हो रही हैं। तो ये तो जिक्र था शाहरुख खान के एक और ऐसे दिलचस्प किस्से का जिसके बारे में लोग कम जानते हैं। लेकर के आएंगे कुछ ऐसी ही दिलचस्प किस्से कहानियां बॉलीवुड की। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें नेक्स्ट नाइन लाइव।